अभिषेक देशवाल की तैयारी कैसे, दोबारा आ रहा हूँ उसी बात पर। हमारी तैयारी बूथ लेवल से चल रही है, कोई सोशलबाजी नहीं चल रही, कोई हवाबाजी नहीं चल रही। मेरी एक वीडियो आपने निकाली थी, हाँ हाँ, ऐसी कुछ वीडियो आपके सामने दोबारा आ जाएंगी, आप देना, मैं स्वागत करूंगा, मैं आपकी वीडियो पे आ जाता हूँ। अभिषेक देशवाल की पोस्ट थी सोशल मीडिया पे, उनके फेसबुक पे आज भी मिल जाएगी जी। मैंने बोला था कुछ दिन के लिए, आपने बोला था कुछ दूर जा रहा हूँ, कुछ दूर चला गया हूँ, कुछ दूर चला गया हूँ। देखो कितनी दूर चले गए, देखिए कुछ दूर का मतलब ये है, अगर आप अमृतसर और लाहौर की बात करें तो मात्र 35 किलोमीटर का फर्क है, लेकिन सड़कें बच गई हैं, देश बच गए हैं। एक कुछ दूर तो वो होता है जहाँ पे यू टर्न हो जाता है, थोड़ा सा आगे चल के यू टर्न हो जाते हैं। दूरी मतलब दूरी, दूरी मतलब दूरी। प्यार ने लाइनें लगवाई थी, देखिए आपके भी बड़े खास मंत्री पुराने प्यार में शामिल है, आपका प्यार उनसे पता नहीं है। हमारी खास सामने जो जनता है ना, ये हमारी खास है, जनता बिल्कुल आपकी खास है, यही खास है। आपके पुराने रिश्ते किसी ने छुपे नहीं, कोई रिश्ता नहीं है कोई किसी से। चलिए आप, ये सब जनता रिश्ते, केवल जनता से रिश्ता है। चलिए मान लेते हैं अभिषेक देशवाल संजय मग्गू किसी से कोई रिश्ता नहीं निभाता, चलिए ठीक है, केवल जनता का रिश्ता निभाता, पत्रकारिता में केवल रिश्ता एक निभाया है, ठीक है, दूसरा कोई रिश्ता नहीं रखा, ठीक है, दूसरा कोई रिश्ता रखा नहीं, केवल पत्रकारिता में पत्रकारिता का रिश्ता रखा, उसको निभाया है, 15 साल से वही काम किया है। बहुत दुख होता है नेताओं को जब मैं बोलता हूं उस टाइम पर। पूरे हरियाणा के अंदर अगर कोई रुत है, एक तरफ रिमझिम और दूसरी तरफ मतदाताओं के दर पर प्रत्याशी और प्रत्याशियों के दर पर हम, इस समय मौजूद हूँ पलवल में और इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी के जॉइंट कैंडिडेट हैं अभिषेक देशवाल। अभिषेक देशवाल के चुनावी कार्यालय पर हम पहुंचे हैं, बातचीत करेंगे उनसे, तैयारी क्या है। अभिषेक जी आपका स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद सर। रंगमंच का एक कलाकार, एकाएक राजनीति में, राजनीति परेशान, आपके चैनल में थोड़ा रिसर्च नहीं किया, पिछले 9 सालों से राजनीतिक दल के साथ में जुड़ा हुआ था संगठन में, और सक्रियता से मेरा हिस्सा भी ले रहा था, रंगमंच तो मेरी जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर मैं ये कह दूं राजनीति में एक रंगमंच है, देखिए राजनीति अगर रंगमंच है तो मैं उसमें मनना चाहता हूँ, मतलब उसके रंग में रंगने के लिए तैयार है। मैं बिल्कुल तैयार हूँ, समन्वय कर चुका हूँ, राजनीति के रंग में रंगने के लिए तैयार है रंगमंच का एक कलाकार, बिल्कुल यही कह दूं। बिल्कुल अभिषेक देशवाल जी, अभी आपने खुद कहा संगठन की, मैं किसी पुराने संगठन की बात नहीं करूंगा क्योंकि मैं आगे चला करता हूं हमेशा जी। चुनावी तैयारी कैसी चल रही है? चुनावी तैयारी यहां का जो संगठन मैंने देखा है बहुजन समाज पार्टी का, हाँ जी, उन्होंने मेरी आधी से ज्यादा जो समस्याएं थी उनका हल पहले ही कर दिया। संगठन बहुत मजबूत है और जो बेस लेवल का काम होता है, देश की कुछ ही पार्टियों में ऐसा काम है जैसा बहुजन समाज पार्टी में, कार्यकर्ता बूथ लेवल तक का फिक्स है, गली गली में कार्यकर्ता है, और कार्यकर्ता वो कार्यकर्ता है जो न पैसे से बिकता है, न दारू से बिकता है, न किसी के कहने से बहकावे में आता है, वो संगठन के लिए जी जान और खून से अपनी तैयारी करके रखता है। 10 तारीख को आपने, मुझे लगता है बहुजन समाज पार्टी शायद ज्वाइन की होगी। मैंने बहुजन समाज पार्टी 7 तारीख को ज्वाइन की थी, 8 तारीख को तो आप दूसरे कार्यक्रम में थे। 8 तारीख को बिल्कुल कार्यक्रम मेरा, वो मेरा अंतिम कार्यक्रम था वहाँ के लिए, मैं अलविदा कहकर आना चाहता था, अलविदा तो मैं बहुत पहले कहना चाहता था जून जुलाई में, लेकिन ये वक्त लग गया थोड़ा सा अलविदा कहने में, कुछ मजबूरियाँ रही। तो चुनाव लड़ने का मन में कब से आया अभिषेक जी? देखिए जब आत्म सम्मान पर बात आए तो आदमी हंकार हो जाता है, आदमी जब अपनी जान पर बात आए तो तलवार भी चलाता है, वो तो चुनाव है। तो बस जिस दिन आत्म सम्मान पर बात आई उसी दिन चुनाव लड़ने का मन में आया। मतलब जिस संगठन में आप थे उसने आपके स्वाभिमान को चोट पहुंचाई, वहां से आई है कहीं और से आई है, लेकिन आत्म सम्मान पर बात जरूर आई थी। छोड़ना तो तभी पड़ेगा जब किसी संगठन में, अगर आपके, आपने कहा कि आत्म सम्मान पर जब चोट आए तो फैसले होते हैं। देखिए अगर आप मुझे दूसरे राजनेताओं की तरह सोचते हो कि मैं पुराने कुंभ की बुराई करके नए कुंभ में जाऊं, तो उस तरीके की सीरत नहीं। पुराना कुंभ का बहुत कुछ सिखाया, मैं सीख कर आया, उसको इस कुंभ में मैं आगे बढ़ाऊंगा और अपने कुंभ को और मजबूत करूंगा। तो 7 तारीख को आपने बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन किया? बिल्कुल, मेरी पहली मीटिंग 7 तारीख को हुई जी। 8 तारीख और 9 तारीख को समय लिया हुआ जी कि किस तरीके से करना है, 10 तारीख को पूर्णतः मैं पार्टी में शामिल। आपने आवेदन किया टिकट का, आपको टिकट मिल गया और आप चुनाव मैदान में। बिल्कुल
ठीक है जी, यही समझे? बिल्कुल ऐसा ही अडॉप्ट कर लिया बहुजन समाज पार्टी ने अच्छे से, और आपको और आपने बहुजन समाज पार्टी जिले का संगठन पूरा सामने खड़ा है जी। पहले दिन जिस दिन से इनसे मुलाकात हुई जी, उसी दिन से इन्होंने मुझे अपने बच्चे की तरह समझाया, आगे बढ़ाया और किस तरीके से काम करना है वो सिखाया। ये बच्चा भी आगे उंगली पकड़े थामे रहेगा या देखिए बात ऐसी है, कहीं पर जाना है तो परिवार बनकर जाना है, और जब तक परिवार खुद ना घर निकल जाए, जैसे शेरों में होता है कि बच्चा जब तक रहता है जब तक उसका बाप नहीं गए कि चले जाओ, तो मतलब वो शेर हूँ जब तक शेर का बाप नहीं रहेगा कि नहीं चले जाओ, मतलब मान से अगर बाहर ना निकाल दे कि अब चले जाओ तब तक रहना है। उसके लिए भी देखिए बाप अपने बच्चे को जब घर से बाहर निकालता है तो बाप को भरोसा हो जाता है कि आगे हम अपना जीवन अच्छे से जी रहे। चलिए बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी है, इनके पास माइक भेजूंगा बाद में, पहले आपसे ही बात करते हैं जी। चुनावी तैयारी कैसी है? फिर से चुनावी तैयारी खूब रही है, जो पार्टी की कार्यनीति है अपने तरीके से चल रही है। दूसरे कैंडिडेट्स की तरह नहीं कि बड़े बड़े लाउड स्पीकर लोगों का हुजूम सड़कों पर उतार के ट्रैफिक व्यवस्था को खराब करके पार्किंग इधर उधर लगा के तैयारियां दिखानी है, तो वैसी तैयारी हमारी नहीं है। हमारी तैयारी बूथ लेवल पे चल रही है, ग्राउंड लेवल पे तैयारी बिल्कुल चल रही है। हरा और नीला पटका दोनों पहना हुआ है बिल्कुल जी, हरे वाले ठीक नहीं रहेंगे। देखिए हरे वालों का अपना काम करने का तरीका है, और उनका जो स्ट्रांग बेस है वो उसकी रिपोर्टिंग हम भी वहां जाते हैं, हमारी मीटिंग्स कराते हैं। जरूरी नहीं हर कार्यकर्ता दफ्तर पर आए, सारे कार्यकर्ता दफ्तर पर रहेंगे तो फिर नहीं बन रहे। मतलब हरा रंग नीले पे बराबर चढ़ रहा है या नहीं चढ़ रहा? देखिए दोनों रंग एक साथ चल रहे हैं, दोनों रंग हरियाणा की राजनीति में इस बार बड़ा फेरबदल करेंगे, लिखवा के ले लीजिए। चलिए 90 विधायक बनने हैं हरियाणा के अंदर जी, उन 90 विधायक में जो आपकी पार्टी का यानी कि बहुजन समाज पार्टी का इंडियन नेशनल लोकदल का अलायंस है जी, 37 सीटों पर आपकी पार्टी चुनाव लड़ रही है, 53 पर चुनाव लड़ रही है इंडियन नेशनल लोकदल। 90 में गठबंधन मान लो तो 90 सीटों में से जो 90 पुर्जे बनेंगे उनमें से एक पुर्जा आप हैं। बिल्कुल हो सकता है। मशीन कमजोर नहीं लग रही? किस चीज की? आपका जो पुर्जों की मशीन है जिसमें 90 पुर्जे लगे हुए हैं। अब हम बात करें अगर दूसरी पार्टियों की बात करें जो आपके पार्टी बिल्कुल कमजोर है, इंडियन चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी रोज कार्यकर्ताओं की मीटिंग ले रही हैं। बहन कुमारी मायावती अभी अपने दौरे पर हरियाणा दौरे पर निकलेंगे, जिस दिन वो हरियाणा की सरजमीन पर उतरेंगी आप समझिएगा जो हवा है वो एक तरफा रहेगी, कार्यकर्ता एक तरफा जिताने के लिए चलेगा। और आपको बता दें दोनों पार्टी वो है जो विचारधाराओं की पार्टी है, और जो दूसरी बड़ी पार्टियों की बात करें आप हाथ और फूल की तो आप देखिए कैसे विचारधारा टूट रही है। हाथ और सिरसा से सांसद है जो उनके आत्मसम्मान पर पार्टी ने कैसे प्रहार किया है पता तो चल गया होगा, कहीं कहीं सूत्रों के हवाले से खबर आ गई होगी, बिना सूत्र के भी मिल रही है। बिल्कुल मिल रही है ना, सब कुछ बिल्कुल। तो इस पार्टी में देखिए विचारधारा की पार्टी का यही होता है कि अगर आपका कार्यकर्ता आपका प्रतिनिधि वहाँ है तो मान सम्मान पगड़ी के साथ हमेशा उसे साथ लेकर चला जाता है। और यहाँ जिले में भी INLD के कार्यकर्ता भी और BSP के कार्यकर्ता भी दोनों कंधे से कंधा मिलाकर रोज सुबह रणनीति बनाते हैं कि आज क्या करना है, शाम को समीक्षा होती है, अगले दिन दोबारा तैयारी होती है। और अब मान के चलिए पलवल के चुनाव में भी अहम भूमिका इन दोनों पार्टियों की रहने वाली। पलवल में भी आऊंगा बाद में क्योंकि आप हरियाणा का विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। देखिए 90 प्रत्याशी होंगे, मैंने कहा था कि 90 पुर्जे होंगे उस मशीन के अंदर तो चलेगी जी, और मैंने आपसे यही कहा था कि कोई मशीन कमजोर तो नहीं हो रही। आपके साथ एक पार्टी और जुड़ी, देखिए हरियाणा लोकहित पार्टी उस पार्टी का नाम है और गोपाल कांडा उसके नेता हैं जी। गोपाल कांडा ने नामांकन करने के बाद उसका जो पहला बयान था गोपाल कांडा जी का, सिरसा जाऊंगा अगले दो दिनों में पूछूंगा कांडा जी से वहां जाकर, आज आपसे पूछ रहा हूँ। गोपाल कांडा ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाएंगे, आपके गठबंधन के लोग हैं, मैं आपकी गठबंधन की पार्टी है जी, भारतीय जनता पार्टी वहां अपना कैंडिडेट वापिस ले लेती है, क्या समझे हरियाणा की जनता? देखिए वो भारतीय जनता पार्टी वालों से पूछो कि क्यों प्रतिनिधि वापस लिया। और एक चीज है, हरियाणा व्यंगात्मक स्टेट है कि वहाँ बातों बातों में बड़े अच्छे सॉफ्ट बैंक चलते हैं, तो मैं भी कहूँ हाजी हाँ मैं जितवाऊंगा पुराने को, तो उसने ऐसा नहीं कि मैं जितवा ही रहा हूँ उसे, मैंने व्यंग किया तो गोपाल कांडा जी का व्यंग था हम बनवाएंगे। गोपाल कांडा ने तो बड़ा सीधा कहा था कि मैं RSS का वर्कर हूँ, RSS का कैडर है, RSS के साथ जुड़ा रहा हूँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में मेरे पिताजी थे, मुरारी लाल ने चुनाव लड़ा था, वो सारी कुछ कहा। एक बात कहे तो कोई जम जाती है,
उनकी तो पूरी फेयर हिस्ट्री जब इतिहास लिख सकते हैं पूरा। 50 साल पहले दीपक निशान हुआ करता था जब उनका, तो कह रहे दीपक पर निशान गड़ गए थे। एक बात बताइए, पिताजी किसी और पार्टी में, बेटा किसी और पार्टी में जा सकता है कि नहीं? बहुत सारे एग्जाम्पल है। नहीं, वो तो एक ही पार्टी की बात कर रहे थे। अभी आप कह रहे हैं कि पिताजी किसी और पार्टी में, आरएसएस में थे, ठीक की बात छोड़िए, आज आज अपने संगठन के साथ, हमारे संगठन के साथ वो लड़ रही है कि नहीं? अगर गठबंधन में है, अगर वो सीट जीतते हैं तो वो क्या काउंटिंग कांग्रेस में जाएगी, भाजपा में? काउंटिंग तो हमारे गठबंधन की रहेगी। कौन सी? गोपाल जी तो कह रहे हैं कि सरकार हम बनवाएंगे। तो सरकार हम ही बनाएंगे। वही कह रहे हैं कि बीजेपी की हैट्रिक हम बनवाएंगे। देखिए, अगर पार्टी के नेता, पार्टी के कैंडिडेट अभिषेक देशवाल कह रहे हैं कि अभी मैं चुनाव जीत करके सरकार बनवाऊंगा कांग्रेस की या बीजेपी की, तो फिर अभिषेक देशवाल को लोग क्यों वोट दे? कांग्रेस और बीजेपी को सीधा दे रहे वोट लोग। देखिए, अब एक व्यंग मैं आपसे इसी बात पर कहूंगा कि जो व्यंग होता है, आप सीधे सवाल पे आ जाओ, व्यंग छोड़ देते हैं अभी, थोड़ा मैं कह रहा हूँ जवाब उनका। देखिए, उन्होंने क्या जवाब दिया मुझे, तो तुम व्यंग लगा कौन सा कि भैया मैं बनवाऊंगा? आप देखिए कमाल कर रहे हो। देखिए, पिछली बार गोपाल गांडा जी, गोपाल गांडा जी जीते थे, सरकार में लेने की बात चल रही थी, नहीं लिया गया, तो इस बारी में फिर से पाल तोड़ रहे हैं। अब की बार आके दिखाओ, गठबंधन में शामिल रहे भैया, कहा टाइम 5 साल समर्थन देते रहे। देखिए, 5 साल तो नैनपाल जी का भी समर्थन था, क्या हुआ? नैनपाल को तो बर्फी लड्डू पूरी सब मिल गया था नैनपाल के बाद। अब क्या हुआ? आपकी पार्टी वाली बात कर रहे हैं। देखिए, हमारा आगे बताओ, हमारा गठबंधन क्या आपकी विचारधारा, जो गोपाल गांडा कह रहे हैं, मैं अभय सिंह चौटाला की बात नहीं कर रहा जी, मैं आकाश आनंद की बात नहीं कर रहा जी, मैं अभिषेक देशवाल जो बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट है उनसे पूछ रहा हूँ। देखिए, बहुजन समाज पार्टी और INDD मिलकर हरियाणा में सरकार बना रही है, क्योंकि जो आप देखेंगे रणनीति जो शीर्ष नेतृत्व ने बनाई है चुनाव लड़ने की, बहुत ही स्पष्ट है, क्लियर है। जहाँ जिस तरीके से वोट बैंक है, इस कैंडिडेट को यहाँ अच्छी वोट मिल सकती है तो उसे ही टिकट दी गई है। मतलब ये कैंडिडेट यहाँ सूट बिठा देगा तो उसको वहाँ टिकट दे दो। देखिए, होता ही है, जैसे आप करण दलाल को मेवात में टिकट देके देखिए ना, जैसे गौरव गौतम को सिरसा में टिकट देके देखिए ना, पार्टी करेंगे नहीं, उन्हें पता है कि यहाँ जैसे बीजेपी ने किया कि एलनाबाद में मीनू बेनीवाल हरा देगा तो मीनू बेनीवाल को साइड कर दो। देखिए, वो अलग चीज है, उनकी बात मैं क्या करूँ। हाँ, मेरे संगठन की बात मुझसे कीजिए, हम यहाँ सरकार। अब आपकी बात पे आ रहे हैं, हरियाणा वाली बहुत सारी बात है जी, अभिषेक देशवाल की तैयारी कैसे, दोबारा आ रहा हूँ उसी बात पर। हमारी तैयारी बूथ लेवल से चल रही है, कोई सोशलबाजी नहीं चल रही, कोई हवाबाजी नहीं चल रही जी। हम बूथ पर काम कर रहे हैं, बूथ का कार्यकर्ता मजबूत होगा जी तो इलेक्शन मजबूत होगा। हाँ। और इलेक्शन मजबूत करने के लिए पूर्णतः जो सुविधाएं कार्यकर्ताओं को चाहिए पार्टी की तरफ से सारी मिल रही है। कार्यकर्ताओं में जोश है, कार्यकर्ता पूरी निष्ठा के साथ अपने प्रतिनिधि के साथ लगे हुए हैं, पार्टी के साथ लगे हुए हैं, गठबंधन के साथ लगे हुए, पूरे मान सम्मान और चौधर के साथ लगे हुए। चौधर, बिल्कुल। तो चौधर की लड़ाई जो हमारे माना जाता है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा चौधर लाते लाते 10 साल पीछे चले गए थे। देखिए, वो चौधर लाना चाहते थे, हमने चौधर के साथ चल रहे हैं, पर अपने जिले के, अपने विधानसभा के जो बड़े हमारे नेता है, पूरा सपोर्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट गठबंधन को है। आप सीधा सीधा ये कह दो कि जो पार्टी के पुरोधा है उनका आशीर्वाद है, चौधर और आशीर्वाद में बड़ा फर्क होता है। देखिए, हमारे देशी भाषा में जाए तो देशी भाषा में कहा जाता है, भैया जो मुद्द है वो चौधरी है। हाँ। जिसने शुरुआत करी वो चौधरी है। हाँ। जो बड़ा है वो चौधरी है। हाँ। ना तो उसमें जात आती है। हाँ। ना उसमें धर्म आता है। हाँ। जो बड़ा ईमानदार सच्चा जिसकी बात पब्लिक सुन रही है वो चौधरी है। चौधरी की परिभाषाएं तो बहुत सारी बता दी, बस यही परिभाषा। चौधरियों के नाम भी पूछ लो कुछ। देखिए, चौधरी जो है वो अपने आप को लग जाएंगे, धीरे धीरे सब आपको दिखने लग जाएंगे। आज मैं लिस्ट यहाँ पर दे दूँ आपको, उसके बाद आपको पता चलेंगे क्या चल रहा है। चलिए, गीता पे हाथ रख के कसम खिलवाई जा रही है कि वोट दे देना। अब ये भी आपको पता है कहाँ है, इशारा बहुत होता है। गीता पे हाथ रख, कुछ वीडियो आपके सामने आ जाएंगी, जैसे आपने किसी, मेरी एक वीडियो आपने निकाली थी। हाँ हाँ, ऐसी कुछ वीडियो आपके सामने दोबारा आ जाएंगी। आप देना, मैं स्वागत करूंगा, मैं आपकी वीडियो पे आ जाती हूँ। अभिषेक देशवाल की पोस्ट थी सोशल मीडिया पे, उनके फेसबुक पे आज भी मिल जाएगी जी। मैंने बोला था कुछ दिन के लिए, आपने बोला था कुछ दूर जा रहा हूँ, कुछ दूर चला गया हूँ, कुछ दूर चला गया हूँ। बिल्कुल, कितनी दूर चले गए? देखिए, कुछ दूर का मतलब ये है, अगर आप अमृतसर और लाहौर की बात करें तो मात्र 35 किलोमीटर का फर्क है। लेकिन सड़कें बढ़ गई हैं, देश बढ़ गए हैं। एक कुछ दूर तक वो होता है जहाँ पे यू टर्न हो जाता है,
थोड़ा सा आगे चल के यू टर्न हो जाते हैं, दूरी मतलब दूरी। उसमें कुछ का जो लफ्ज था, जो कुछ का शब्द था, शब्द मायने रखते हैं। मतलब आपने तो कुछ दिनों का कह दिया कि मैं कुछ दिनों के लिए दूर जा रहा हूं, आपका शब्द बदल दिया। मैं आपका कह रहा हूं कि कुछ दूर चले गए थे। दूर चला गया हूं। कुछ दूर चले गए हो, जा रहा नहीं था, कुछ दूर चला गया हूं। मतलब वो कुछ दूरी और बड़ी डिस्टेंस वाला, अगर मैं दूर चला गया हूं, कुछ दूर चला गया हूं, बात यही है मैं लाहौर से अमृतसर चला गया, देश तो बदल गया। चलिए, पलवल के मुद्दे क्या? मेरा पलवल का सिर्फ कुछ मुद्दों की लड़ाई है। यहाँ पिछले लगभग 29 सालों से मेरा परिवार पलवल में रहना। 29 साल पहले तक मेरा परिवार पलवल आया। जिस गली में मैं रहता था, माननीय करण सिंह बलाई उस समय सरकार के हिस्सा हुआ करते थे। कौन सी गली? आदर्श कॉलोनी शायद आपकी, बाली नगर, हमारी गली बाली नगर। उस समय हमारी गली में पानी भरता था, घरों में पानी भरता था। आज 2024 में हम बैठे हैं, आज भी उस गली में पानी भरता है। ये कब की बात बता रहे हो? मैं बिल्कुल कब की बात बता रहा हूँ, कब की बात मैं कह रहा हूँ, कब की बात है जब पानी भरता था, जो वैसा जल से गली बनी है, नाले चल रहे हैं, जब मंत्री थे तब का, तब से पानी भर रहा है। वैसा चलिए, जूते सर पे रख के मैं स्कूल जाया करता था। आम आदमी चुनाव में उतरा हूँ, आम मुद्दों पर लड़ूंगा। मुझे नहीं पता भैया हुड्डा साहब क्या कह रहे हैं, सोनी साहब क्या कह रहे हैं। अब लोग सिर पे जूते रख के चलते हैं, बिल्कुल चलते हैं। चलिए, 10 साल 9.5 साल अभी आप कह रहे थे एक संगठन में था, कभी वहाँ मांग की थी कि लोगों को? बहुत मांग की है, मेरी फेसबुक खंगा लेंगे तो मांग की है। मैं वो कार्य करता हूँ जहाँ संगठन गलत चलता है, तो मैं संगठन से भी कहता हूँ कि आप गलत हैं। छाती ठोक के कहता हूँ, शायद इसी वजह से लोगों को मेरी कोई बात बुरी लगी होगी। किसी वजह से कुछ लोगों को मैं बुरा लगने लगा हूँ, कोई तो कारण होगा। बस कोई तो कारण होगा, वो बात आती है ना, कोई तो कारण होगा। कुछ तो लोग कहेंगे, ये भी कोई बेवफा नहीं होता, कोई बेवफा नहीं होता। चलिए, तो आम मुद्दे पर मेरी लड़ाई का पहला पानी भरता था, तो मैं बताता हूँ जी, वो छोटा मुद्दा मेरी गली का है। हाँ। लेकिन आधे से ज्यादा पलवल का बड़ा मुद्दा है। आप आदर्श कॉलोनी में निकल जाए, कम की बारिश हो जाए तो 2-3 घंटे के लिए पलवल निकल जाएंगे, पूरा पलवल भरेगा। पहला मुद्दा ये पलवल में जल निकासी सीवरेज की जो व्यवस्था करनी है, पहला मुद्दा वो। ठीक है, जो पीछे लाइन पार जो कच्ची कॉलोनियां बसी हुई है, ठीक है, उन कॉलोनियों में आप जाकर देखिए, आज भी 2000 के समय से, 1995 के समय से और अब तक, ना सड़कें हुई ना सिंगल गई है। सारी सरकारें ऐसी नहीं है, आप किसी एक को नाम नहीं ले सकते। 9.5 साल ये था कि 10 साल ये था, काम किसी ने नहीं किया। अब काम होगा, हम सत्ता में आते हैं तो विकास होगा। मैं तो आपकी बात मान ली, 25 साल खराब कर दिए आप वालों ने भी, जो हरे वाले हैं, जो ये जी, ये भी आए थे बीच में, कितने 5 साल ये भी आए थे, 10 साल वो हाथ वालों ने खराब कर दिए, 10 साल फूल वालों ने खराब कर दिए। अब आप कह रहे हो नीला और हरा, बीच में ये जो 5 साल की कह रहे हैं, विकास कार्य है, नीला और हरा सकता हूँ। चलिए चलिए, नीला और हरा दोनों मिलकर करेंगे जी, ठीक है। और इसके अलावा, इसके अलावा आप देखिए, हमारा पलवल का जो अस्पताल है, आसपास के अस्पतालों में सबसे ज्यादा जमीन पलवल अस्पताल के पास है, लेकिन सुविधाओं के नाम पर ठंडन गोपाल जीरो। उसके बाद आप देखेंगे ट्रोमा सेंटर पलवल में नहीं, तो ट्रोमा सेंटर लाने का पहला काम सरकार में आते हैं, तो पलवल का डिस्ट्रिक्ट का खुद का ट्रोमा सेंटर होगा। स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी होंगी। ट्रांसपोर्टेशन की जब बात आए तो ग्रामीण सड़कों पर काम चलेंगे जी। माननीय बलाल साहब का काम पड़ता है कि थोड़ी उनके टाइम पे, भाजपा के टाइम पे, दूसरी सरकारों के टाइम पे। हाँ, अब मैं 5 साल वाली बात पे आता हूँ। 2003 तक सरकार में थे, चार से नौ दूसरी सरकार थी, 5 से 9। चलिए यहाँ बताइए जी, तो जब सत्ता में थे माननीय देवीलाल जी, इस बेल्ट से पूरा प्रेम करते थे। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत जो सड़कें प्रधानमंत्री योजना में बनती थी, हर 6 महीने में रिपेयरिंग होती थी। हर 6 महीने में आप अलीगढ़ जाने वाले लोगों से पूछिए कि बॉर्डर तक कितनी सुंदर सड़क हुआ करती थी उस समय। 2004-5 के बाद जब सत्ता परिवर्तन हुआ, गड्ढे तो तब से बनने शुरू हुए। क्यों? क्योंकि लोगों ने कमाना सीख लिया। ठेकेदारी की परंपरा वहां से चालू हुई है। ये भाजपा के बगावत की बदनाम कर रहे थे। 2004 से ठेकेदारों ने देना शुरू किया सड़कों में। पुराना प्यार बार-बार कह रहा हूँ, 10 साल उनकी सरकार रही है, आप 10 साल कोस रहे हो, 10 साल नए थे अभी, मैं तो अभी चल रहे हैं, मेरी लड़ाई है, मेरी लड़ाई जो मिलेटर है, उनको गड्ढे तो भरने चाहिए थे। चलिए, मैं सीधे इंडियन नेशनल लोकदल और बसपा और उसका कैंडिडेट उस पर आ रहा हूँ सिर्फ जी। तो आप ये कह रहे हो कि अगर मेरा मुद्दा दोबारा रहेगा उसको बता दूंगा जी। उसके अलावा जो आप जानते हैं कि
INLD और बसपा दोनों कमेरे वर्ग किसान वर्ग की पार्टी है, इसी विचारधारा से चलती है और ये दोनों वही वर्ग है जिनकी तनख्वाह नहीं आती। देखिए मेहनत रोज मजदूरी करते हैं, किसान भी रोज मजदूरी कर रहा है और श्रमिक भी रोज मजदूरी कर रहा है जी, रेहड़ी वाला भी रोज मजदूरी कर रहा है, लेकिन जब ये कोर्ट कचहरी में जाते हैं तो जो 100 रुपए की जो रिश्वत चलती है ना आधार कार्ड बनवाने में, कोई और आईडी बनवाने में, जो वो रिश्वत है विधायक होने के नाते अगर जनता मुझे कहती है कि भाई आप विधायक बनो, हम आपको विधायक बना रहे हैं, तो सबसे पहला काम ये होगा कि मेरे कोर्ट कचहरी में थाने तहसील में वो जो छुट्टे लेते हुए फिर पकड़े गए तो टर्मिनेशन के बगैर बात नहीं बनी। जनता को ये 100 रुपए बहुत दुखते हैं, ये जो नेता 100 करोड़ 500 करोड़ के घपले कर जाते, जनता की जेब पर कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है जब जब 3 घंटे लाइन में चलता रहता है, उसके बाद वो कहते हैं जी इंटरनेट बंद हो गया, नेट नहीं आ रहा, सर्विस नहीं आ रही, ये लाइन है तो पुराने प्यार में कर रहा है, छोड़ देते हैं लाइनों को। नहीं बिल्कुल नहीं छोड़िए मत, बिल्कुल घेरिए, आपका समय घेरना, पुराने प्यार में लाइनें लगवाई थी। देखिए आपके भी बड़े खास मंत्री पुराने प्यार में शामिल है, आपका प्यार उनसे पता नहीं है, हमारी खास जनता है ना, ये हमारी खास है, जनता बिल्कुल आपकी खास है, यही खास है, आपके पुराने रिश्ते किसी से छुपे नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है कोई किसी से, चलिए आप ये सब जनता रिश्ते, केवल जनता से रिश्ता है। चलिए मान लीजिए अरविंद केजरीवाल संजय मग्गू किसी से कोई रिश्ता नहीं निभाता, चलिए ठीक है, केवल जनता का रिश्ता निभाता, पत्रकारिता में केवल रिश्ता एक निभाया है, ठीक है, दूसरा कोई रिश्ता नहीं रखा, ठीक है, दूसरा कोई रिश्ता रखा नहीं, केवल पत्रकारिता में पत्रकारिता का रिश्ता रखा, उसको निभाया है, 15 साल से वही काम किया है। बहुत दुख होता है नेताओं को जब मैं बोलता हूँ उस टाइम पर, ठीक है। चलिए अब आइए अब आपसे बात करते हैं, अब लास्ट पॉइंट की जी, पुराना नया प्यार दोनों को छोड़ रहा हूँ मैं, तो इसलिए मैंने आपसे कहा था कि पुराना प्यार ज्यादा करोगे तो पुराना प्यार नासूर बन जाता है, बिल्कुल वो उससे फिर दुखन ज्यादा होती है, इसलिए मैं नहीं छेड़ना चाह रहा था उसको बिल्कुल भी। अब बात मुद्दे की बात करें जी, 17 दिन रहे हैं चुनाव प्रचार के लिए जी, 12 तारीख को आपको टिकट मिला, मैं वही आपसे पुरानी बात कर रहा था, फिर वही कह रहा हूँ, अभी आप कह रहे थे कि श्रमिक और कमेरा किसान चौधरी देवीलाल हमेशा से कहते रहे, खुलकर कह रहा हूँ चौधरी देवीलाल का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ, खुलकर कह रहा हूँ, इसलिए आप बिल्कुल मत कहना मैं रिश्ते, मैं कह रहा हूँ और ऑन कैमरा कह रहा हूँ कि चौधरी देवीलाल की नीतियों का सबसे बड़ा प्रशंसक हूँ, ठीक है जी। किसान के लिए मोदी जी कह रहे हैं मैं उनको दे रहा हूँ, खैरात आ रही है, मजदूर के लिए कह रहे हैं आटा मिल रहा है, खैरात मिल रही है, खैरात कह दूं उनको, ना कहूँ बिल्कुल कही जो आपका मन से, खैरात तो देश में है, खैरात कह दूं ना, कही क्योंकि वो कहते हैं ना कि रेवड़ी बांटना जी, प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री जब भाषण देते हैं तो वो हमेशा कहते हैं कि जो चौटाला रेवड़ी बांट रहा है, मायावती रेवड़ी बांट रही है, केजरीवाल रेवड़ी बांट रहा है, ये रेवड़ी बांट रहा है, वो रेवड़ी बांट रहा है, और खुद वो जो कहते हैं कि मैं दे रहा हूँ जी, कहते हैं मैं किसान को सम्मान दे रहा हूँ, वो कहते हैं मैं श्रमिक को जो फोटो छाप थैले पे आता है 5 किलो राशन, वो कहते हैं मैं सम्मान दे रहा हूँ, वो बांट रहे हैं। खैर अभी आप कह रहे थे कि किसान और कमेरे का सम्मान श्रमिक का जी, लाल बहादुर शास्त्री का नारा था जय जवान जय किसान, और वहाँ से शुरू हुआ और आज तक किसी की औकात नहीं उस नारे को बदल दे, बिल्कुल कमेरे की बात चौधरी देवीलाल ने शुरू की, किसी की औकात नहीं कि श्रमिक और कमेरे की बात को पलट दे, गांव और मजदूर की और दलित की बात चौधरी चरण सिंह ने की, किसी की औकात नहीं उस बात को बदल दे जी, ठीक है जी। अब एक नई जो आपने शुरू की है पलवल के अंदर, मैं आपसे वहीं आना चाह रहा था, ये कितनी लंबी चलेगी? देखिए इस संगठन से जब मैं जुड़ा, मुझे कुछ दिन मेरा संगठन से जुड़े हुए, लेकिन जो कार्यकर्ताओं की भावना अपने संगठन के लिए, आप चाह कर भी संगठन से जुड़े नहीं रह सकते, क्योंकि ये वो पार्टी है जिसको साइकिल के पैदल मार कर उसको खड़ा किया गया है, पैदल चलकर पूरे भारत में उसको खड़ा किया गया है, और आज भी कार्यकर्ता से अगर शीर्ष नेतृत्व अगर 2-3 महीने ना मिले, कार्यकर्ता फिर भी पूरी लगन से पूरी निष्ठा से उसी विचारधारा पर काम करता है, और मैं वो इंसान हूँ विचारधारा के साथ चलता हूँ, मुझे पसंद आती है तो मैं बैठता हूँ, वरना कई लोग हैं राजनीति में भी गैर राजनीति में भी जो मेरे स्पष्ट कहने के तरीके से मुझसे हिंदी बना लेते हैं। चलिए पलवल में किससे मुकाबला मान रहे हैं? देखिए पलवल में सही बात करूँ तो सभी प्रतिनिधि अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं जी, किसी को हल्के में लेना चाहे वो निर्दलीय है चाहे वो किसी और पार्टी का है,
एक अच्छे योद्धा के लिए, एक अच्छे फाइटर के लिए चेहरा नहीं देता कि आप सामने वाले को हल्के मिले, पूरा मान सम्मान है सबका, सब अपनी तैयारी कर रहे हैं। लड़ाई किससे है ये तो 8 तारीख को पता चलेगा। इससे लड़ाई थी, इससे जीतना था, पर अभी मैं किससे क्या कह दूं, ऐसे पता चले किसी और चीज का कोई उनका चालान कट रहा है, नॉमिनेशन में दो जाए अगली टाइम पे, चुनाव भी नहीं दिया जाए। चलो वो सब तो वो लाइन तो क्रॉस कर गई, वो लाइन सारी क्रॉस हो गई, नॉमिनेशन हो गए सबके, सभी को सिग्नल सिंबल मिल गए, सबका चुनाव प्रचार शुरू हो गया। हमारी लड़ाई है भ्रष्टाचारियों से जी, जो भी यहाँ भ्रष्ट तरीके से चुनाव लड़ रहा है उससे, जो बिना विचारधारा के पार्टी के चुनाव लड़ रहा है उससे, जो डरा धमका कर चुनाव लड़ रहा है उससे, जो युवाओं को भटका कर चुनाव लड़ रहा है उससे, जो गलत विचारधारा को फैलाने की कोशिश कर रहा है हमारी लड़ाई है उससे। मतलब ये और हमारी लड़ाई पार्टी कौन है, नेता कौन है, कैंडिडेट कौन है, किनसे लड़ाई, मैंने ये पूछा सीधे उनसे, जनता से हम छुपी नहीं बात आई है तो मुख्यमंत्री कह रहे थे ना, हर आदमी कहता कि मेरा इस पार्टी से मुकाबला है, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि कांग्रेस से मुकाबला है, कांग्रेस कह रही है कि वोट काटूंगे दूसरी पार्टी वाले, इसलिए मैंने आपसे कहा कि आप क्या समझते हैं कि मुकाबला है। 5 पार्टियां सिंबल पे लड़ रही है, हाँ जी, वो 5 अपनी लाइन में चल रही है जी, कोई किसी की लाइन क्रॉस नहीं कर रहा, सब अपनी स्पीड से चल रही है, जिसमें जितनी स्पीड होगी पांचों की पांचों, और जो निर्दलीय वो भी अपनी अपनी लाइन में चल रही है। तो मैं कैसे कह दूं किसमें स्पीड कम है, उसमें 8 तारीख का इंतजार करें कि किसकी गाड़ी 20 की स्पीड में रह जाएगी, किसकी, और किसकी टॉप गियर में चलेगी, किसकी 20 पे थी, किसकी 28 पे थी, किसकी 42 पे थी, किसकी टॉप गियर में जाएगी, किसकी टॉप गियर में जाएगी। हम अपनी पूरी रफ्तार से, पूरी ताकत से, कार्यकर्ताओं के जुनून से और जोश से, गठबंधन की ताकत से, चौधरी देवीलाल, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, स्वर्गीय काशीराम जी, बहन मायावती जी के विचारों पे, उनके सम्मान के लिए, अपने कमजोर और श्रमिक वर्ग के उस उत्थान के लिए, अपने दलित भाइयों को, जो सरकार कह रही है ना स्वर्णिम वर्ष चल रहा है, हम अंतिम पुरुष तक पहुंचेंगे, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेंगे, उसको गलत साबित करते भाई कहां पहुंच रहे हो आप, वहीं खड़े खड़े आता जाट रहे हो, हम तक जाओ तो सही, वो आप तक नहीं आना चाहिए, आपको उन तक जाना चाहिए। और हमारी दोनों पार्टी वो है जो दलित के घर तक जाती है, जो श्रमिक के घर तक जाती है, जो किसान के पास तक जाती है। आपको याद होगा चौधरी देवीलाल जी, ओम प्रकाश चौटाला जी चौपालों पर जाके किसानों के साथ बैठते थे, दलितों के साथ बैठते थे, श्रमिकों के साथ बैठते थे। मुझे बताइए ना कौन सा विधायक रहा है जो चौपाल पे गया। चलिए लंबा होता जाएगा, तो आपने कहा कि सभी से मुकाबला है, जितने भी कैंडिडेट है बिल्कुल के बना लिया जाए, 8 तारीख फैसला करेगी। अगर जनता के कोई सवाल लेना चाहे तो कोई आप कोई सवाल करना चाहे आपने से, आप मेरा माइक ले लो बेशक से। जी उन आपके सवाल सबके प्रत्याशी से होंगे, मैं तो आपके बीच का पुल हूँ। माननीय, जैसा कि आप माननीय, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जिस प्रकार आप बीएसपी और गठबंधन में आए हैं उसकी आपने गिनती तो गिना दी, लेकिन आगे का जो सुचारू रूप रहेगा, जो कार्यकर्ताओं के साथ आपका सम्मेलन रहेगा, उसको कितना निभाने का काम करेंगे? 100% तन मन धन से, आत्मा से, शरीर से, जहां तक चला जाएगा तब तक ये शरीर मिट्टी सा ना होगा, तब तक चलने की कोशिश करूंगा। आने का दूसरा सवाल, जो बसपा में आता है और बसपा की नीतियां और विचारों की जो लड़ाई लड़ता है वो ही बसपा में टिक पाता है, और अगर ये विचारों से हट जाते हैं तो बसपा में टिकता नहीं। सर देखिए, मैं खुद पिछले 10 साल से समाज सेवा के कार्य में लगा हुआ हूँ और उसी विचारधारा से, जिस विचारधारा से बसपा बनी हुई है। माननीय, मेरा आपसे यही आग्रह था और मैं आशा करता हूँ कि आप इस पार्टी में कैंडिडेट प्रत्याशी के रूप में आए और हम लोग सभी बसपा के कार्यकर्ता आप लोगों को जिताने का काम बड़ी संपूर्ण पूर्ति प्रतिष्ठा से करेंगे, और ये मैं आशा करता हूँ। अगर कोई जनता के लोगों को वो सवाल करना चाहे यहाँ पर पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ, अगर कोई जनता के लोग कोई सवाल करना चाहे अपना, तो अभिषेक देशवाल जी
आपको शुभकामनाएं देने। बहुत बहुत धन्यवाद सर। उज्ज्वल भविष्य की आपको शुभकामनाएं। आप चुनाव लड़ रहे हैं, आप चुनाव अच्छा लड़ रहे हैं, आपको हमारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो ये कारवां ये लगातार जारी रहेगा, जब तक प्रत्याशी चलते रहेंगे उनके साथ साथ हम भी चलते रहेंगे, प्रयास करेंगे, कुछ खट्टे कुछ मीठे कुछ कड़वे कुछ चुभते कुछ सारे सवाल आपके सामने लेके आए, और प्रयास रहेगा कि आम जन तक आपकी आवाज़ बन करके हम प्रत्याशियों से पूछें कि उनके मन में क्या है। ये कारवां चलता रहेगा, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद।